उड़ना किसे नहीं भाता, सफलता के आकाश पर सवारी करना कौन नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि इस संसार में उनका नाम, उनकी पहचान सबसे ऊपर हो, कि उनका नाम इतिहास में स्मरण रखा जाए। परंतु सबका नाम इतिहास में नहीं लिखा जाता। कुछ लोग नाम पाकर भी बेनाम रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो धरातल से नाता तोड़ देते हैं, भूल जाते हैं ये बात कि उड़ान पूर्ण होने के पश्चात धरातल ही उन्हें विश्राम देगा, कि उनके कारनामों पर तालियां बजाने वाले, उनकी प्रशंसा करने वाले धरा पर ही रहते हैं, और धरती पर रहने वाले लोग ही इतिहास लिखते हैं। तो सफलता का आकाश नापी है, पर अपनों से, उन लोगों से मत कटिए जो आपकी इस सफलता का आधार है। तभी इतिहास में नाम होगा और तभी आप भविष्य में प्रसन्न रहेंगे। अक्सर आपने आपके माता पिता, आपके हितैषी, आपके शुभ चिंतकों के मुंह से यह सुना होगा, इसे कुदृष्टि लग गई है, इसकी कुदृष्टि उतारो, ये मत करो नहीं तो कुदृष्टि लग जाएगी, ऐसा श्रृंगार ना करो, वो मत पहनो नहीं तो कुदृष्टि लग जाएगी। और कुछ तो इस कुदृष्टि का उपचार भी कर लेते हैं, मिर्च का धुआं जलाते हैं, तेल की बाती से कुदृष्टि उतारते हैं, काला टीका लगाते हैं, क्या क्या करते हैं, उचित है। किंतु मैं कुदृष्टि को नहीं मानता। मैं मानता हूं यदि आपका मन अच्छा हो तो कोई भी कुदृष्टि आपको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकती। आंधियां भी केवल उन्हीं घरों में धूल भर पाती है जिन घरों में खिड़कियों के पर्दे दुर्बल होते। बवंडर भी केवल उन्हीं दीवारों को गिरा पाते हैं जो नींव से कमजोर होते। और आपके व्यक्तित्व की नींव है आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण। एक ही स्थिति, एक ही स्थान, एक ही घटना को आप सकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं, नकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं। निर्णय आपका है। इस संसार को जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। इसलिए स्मरण रखिएगा, अपनी दृष्टि नहीं, अपना दृष्टिकोण संभालिए। क्योंकि जैसा कहा गया है, इस संसार में बुरी दृष्टि का उपचार तो है, बुरे दृष्टिकोण का नहीं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे।